नमस्कार, स्वागत है वंशकार की एक नए वीडियो में, जहां पे हम बात कर रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन बेस वेरिएंट है। इसके ओनर से भी अभी हम बात करेंगे, एक ओनर रिव्यू है ये वीडियो, तो एक इसके ओनर से मिलेंगे और ये बताएंगे हमको कि कौन सा वेरिएंट है और क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हम सीरीजी कार डेकोर में हो, तो यहाँ पे ये क्या क्या एसेसरीज वगैरह काम अपना ये करवा रहे हैं, तो इसका ओवरऑल जो वॉक अराउंड है, जो रिव्यू है, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके ऑनर हैं ये 2020 का मॉडल है। ओके, पूरा बेस वेरिएंट था वैसे। हाँ हाँ, इसमें अपन ने हरमन से स्पीकर लगवाए थे। हाँ हाँ, अभी उसी में थोड़ा वायरिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपन चेक कराने आए हैं। अच्छा अच्छा, हरमन का यहाँ पे स्पीकर लगवाए थे, अब जब नए लिए थे तब बेस में है ना, बेस में अपने। हाँ हाँ, हरमन के स्पीकर थे, सीट कवर लगा है, ये वगैरह। हाँ, और ये भी इंफोटेनमेंट भी उसी में लगा हुआ है। अच्छा, उसी में आप एसेसरीज में ही लगवाए थे? नहीं नहीं, आती वहाँ पे वो नॉर्मल दिया रहा है ना, बेस वेरिएंट था। ओके, तो 2020 में बेस वेरिएंट आप क्या रेट में आ गए थे? आपको ये अपने को 10.5 का पड़ गया, 10.5 का पड़ गया था ना। ओके ओके, तो 10.5 का। हाँ हाँ, तो आप 2 साल से मतलब कि ये चला रहे हैं आप ना अबाउट, तो कैसा नेक्सॉन का क्या एक्सपीरियंस है आपको? बढ़िया है ना, बोल सकते हैं कि एक तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें। हाँ, टाटा की बिल्ड क्वालिटी से तो बात ही नहीं करना है ना, बात ही नहीं कर सकते। ओके, ये एक दो बार मेरे एक्सीडेंट भी हुए वाली ऐसा, तो उसमें हल्के से स्क्रैच और सामने में क्रेटा थी वाली बात है, तो उसमें सच्चा सच्चा डेंट आ गया था वाली। मतलब आपने नेक्सॉन को क्रेटा से एक्सीडेंट हुआ और इसमें केवल स्क्रैच थे, उसमें काफी डेंट आ गया था ना। हाँ हाँ, ये माइनर सा स्क्रैच है। अरे वाह, ये तो कुछ नहीं है, हल्का सा एकदम, कुछ नहीं है। और क्रेटा में एक्चुअल में बोल रहा हूँ, लिटरली सच्चा सच्चा अच्छा खासा डेंट। अरे वाह, मतलब आप टाटा की बिल्ड क्वालिटी भी बता रहे हैं, हल्का सा ये इतना सा डेंट आया हुआ है और क्रेटा में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डेंट आ गया था ना, इसमें थोड़ा सा स्क्रैचेस ही है केवल। तो ये आप जो है बिल्ड क्वालिटी आप इसका नेक्सॉन की समझ सकते हैं ये भाई के द्वारा। और क्या क्या चीज़ें आपने करवाए बेस वेरिएंट लेने के बाद? सामने से ऐसा कुछ हेड ये चेंज कराए थे क्या आप? हाँ, फॉग लैंप भी है। अच्छा, फॉग लैंप ये एलईडी वाला लगाए थे ना, फॉग लैंप। बाकी सामने से कुछ ऐसा क्रोम वगैरह ये लगा रहता है? ये सब पूरा नॉर्मल लगे रहता है। अच्छा, ये लगा ही रहता है ना नॉर्मल, आपके ये प्रोजेक्टर, ये लाइट्स वगैरह, ये हेडलैम्प लगे रहते हैं ना। अंदर ही अपना, अंदर में और क्या क्या करवाए थे आप? अंदर में अपन ने स्पीकर तो एक मेन था, इंफोटेनमेंट लगे थे ना। फिर एक ये प्रॉब्लम रहती है, बोल सकते हैं कि थोड़ी सी आवाज आती है, आवाज आती है जब गाड़ी चलती है, तो नॉइज जो आती है वो नॉइज। हाँ, ये डैम्पिंग करवाए थे, ये अच्छी बात है बिल्कुल। तो अभी ये ओपन हुआ है तो इसको हम आपको दिखा सकते हैं, ये आप प्रॉपर देख सकते हैं। ऐसा आप किसी भी एसेसरी शॉप में जाते हैं, अभी भी ये सीरीजी कार डेकोर में आए हुए हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आए हुए हैं, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप अभी स्पीकर का वही वायरिंग दिखने आए ना, बस वायरिंग और एक अपने को डैश कैम लगवाना था। डैश कैम लगवाना है? ओके, एक डैश कैम लगवाएंगे और एक आप बोल रहे थे ये कैमरा लगवाने के, रिकॉर्डिंग कैमरा, रिकॉर्डिंग कैमरा वही लगवाने, वही लगवाने आए। ओके ओके ओके, रिवर्स कैमरा है। हाँ हाँ, ये जो इंफोटेनमेंट में है उसमें तो हाँ पार्किंग कैमरा है, कैमरा दिया हुआ है नॉर्मल। साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी वैसे, हरमन की। हाँ, साउंड क्वालिटी अच्छी, जो इसमें लगते स्पीकर वो भी हरमन के। ओके ओके, तो उस हिसाब से। तो भाई अभी जो ये आप कैमरा लगवा रहे हैं उसमें क्या रिकॉर्डिंग वो होती सेव रहता है उसमें? हाँ, ये अपना मतलब ऑन ड्राइविंग में भी अपनी ये रिकॉर्डिंग होते रहेगी कि जैसे कोई ठोक दे रहा है। ओके, कुछ भी मतलब। हाँ हाँ, कई बार किए हुए हैं तो जनरली लोग स्क्रैच मारते हैं, कुछ भी हो जाता है, कोई गाड़ी आ गई। हाँ हाँ, वो एक सीसीटीवी कैमरा का काम करेगा ना, ये अच्छी बात है ये। तो उसका जो फीचर्स है, क्या कौन सा कैमरा है, वो हम अंदर में बैठ के एसेसरीज वाले शॉप में दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे अभी ये लगा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं ये। क्या कर रहे हो भाई अभी? अभी स्पीकर का ही काम कर रहे हो ना। ओके, कैमरे लग जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ओवरऑल एक बार इसको हम फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं तब तक गाड़ी की। तो ये बेस वेरिएंट है नेक्सॉन की और यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें भी आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ये नीचे फॉग लैम्प दिया गया है, ये फॉग लैम्प जो है ये बाद में ये लगवाए थे, तो इनका कहना है बेस वेरिएंट अभी। और ये सामने से आप इसका देख सकते हैं, क्रोम वगैरह काफ़ी अच्छा यूज हुआ है, बीच में यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक मिलते हैं, और इधर आप इसका बम्पर देख सकते हैं। बाकी चलिए एक बार हम यहाँ पे DRLs वगैरह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इधर देख सकते हैं आप। और यहाँ पे एलॉय नहीं मिलते हैं क्योंकि बेस वेरिएंट है, तो यहाँ पे इन्होंने एलॉय यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे ये व्हील कैप डला दिए हैं। बाकी टायर प्रोफाइल देखें तो 195 60 या 16 का यहाँ पे टायर प्रोफाइल दिया गया है। चलिए एक बार अंदर में देखते हैं।
तो भाई साहब ये है इसका इंटीरियर, अभी उधर काम चल रहा है, इधर देख लेते हैं इसका। ये डोर देख सकते हैं आप, बेस वेरिएंट का 2020 का मॉडल है ये। यहाँ पे कुछ ग्रे पट्टी ये दी गई है सेटअप, बाकी ओवरऑल यहाँ पे मॉनिटर बॉटल भी ऐसा रखा गया आप देख रहे हैं। और बिल्ड क्वालिटी टाटा की भाई ने बता ही दिया है, तो मैं अंदर बैठता हूँ। और एसी ये है ऐसा कुछ इसका, तो इधर आप देख रहे हैं इसका डैशबोर्ड भाई, नेक्सॉन बेस वेरिएंट का आप डैशबोर्ड देख रहे हैं। इन्होंने काम क्या कराया था आपको बता ही दिए हैं, यहाँ पे ये इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाए थे, पहले जनरली छोटी वाली आती थी बेस वेरिएंट में, और एसी के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे दिए गए। आप इधर एसी वेंट्स वगैरह देख सकते हैं। और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अब यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं, नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको, ऐसा कुछ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। बाकी यहाँ पे स्टेयरिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, यहाँ पे कोई स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलते हैं, ग्लॉसी ब्लैक का यहाँ पे यूज़ किया गया है, टाटा की यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा। और स्पेस काफ़ी अच्छा है नेक्सॉन का, इधर जो इसका ये सेंटर कंसोल है वो काफ़ी अच्छी है, इधर आप देख सकते हैं। इको सिटी और स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, 6 स्पीड यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन, ये गियर नॉब देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ स्पेस दिए गए हैं, चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिए गए। और ये जो इस बेस वेरिएंट लेने के बाद लगवाए थे, ये यहाँ पे एंड्रॉइड लगवाए थे। आगे और सामने से आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे हमको वैनिटी मिरर नहीं मिलती, इधर वैनिटी मिरर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ये लाइट वगैरह दी गई, इधर ये क्या चीज़ है, ये कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं आप, ऐसा सनग्लास होल्डर भी हो सकता है, लेकिन ये ओपन नहीं होता, नहीं है ठीक। तो यहाँ पे IRB देख रहे हैं, नॉर्मल सा दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो यहाँ पे इसके मिलते हैं ORBM, वो मैनुअली एडजस्टेबल यहाँ पे मिल जाते हैं। साइड की प्रोफाइल की बात करें तो साइड से आप इसका देख सकते हैं, इधर यहाँ पे इसका ये ग्राउंड क्लियरेंस आप देख रहे हैं, अबाउट 200 के आसपास मिल जाता है, मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा। और यहाँ पे ब्लैक में ही डोर हैंडल्स मिलते हैं, क्योंकि बेस वेरिएंट आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ये ग्रे पट्टी मिलती है, वाइट की मैं कहीं की देखा हूँ। बेस वेरिएंट में जो पावर विंडो है, रियर पावर विंडो नहीं रहते, मैनुअल रहता है ना, तो ये आप लगवाए थे इधर ही, ये वाला मैनुअल। तो ये एसेसरीज का पार्ट है, ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को देखने से। तो ये इधर मतलब ये बेस वेरिएंट को भी टॉप बना दिए हैं एक प्रकार से ना, काफ़ी कुछ यहाँ पे खर्चा किए हैं। और इधर आप रियर केबिन देख सकते हैं, काफ़ी स्पेसियस है यहाँ पे। और रियर में भी आपको जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं मिलते, केवल फ्रंट में एडजस्टेबल मिलते हैं ना। और ऐसा कुछ चेंजेस करवाएं आप इसमें कुछ, बस नॉर्मल चीज़ें जो है, हाँ ओके ओके। तो ऐसा कुछ इसका कैबिन आप देख सकते हैं, इसका रियर साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। इधर टेल लैम्प की बात करें तो टेल लैम्प ऐसा कुछ है इसका, बाकी ओवरऑल वोकल फॉर लोकल का यहाँ पे ये आपको स्टिकर दिख जाएगा, इंडियन प्रोडक्ट आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ये पैंथर दिखते हैं, पैंथर ही तो है जी। और हाई माउंटर स्टॉप लैम्प वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा, पीछे नेक्सॉन की बेजिंग, और यहाँ पे नीचे पार्किंग कैमरा लगे हुए हैं। और इधर इसकी प्लेट वगैरह देख सकते हैं आप, तो ओवरऑल ऐसा कुछ है टाटा नेक्सॉन। तो अभी ये स्पीकर की जो वायरिंग है वो चेक कर रहे हैं, पूरा डोर गो ही ओपन कर दिया है। आपने 2 साल से इसको ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या माइलेज दे देती है गाड़ी आपकी? अपना 16 ऐसा मिल जाता है कि हाईवे या सिटी में? हाईवे में 18 के आसपास दे भी देती है एक बार। अच्छा अच्छा, 17 17-18 अब स्पोर्ट्स मोड में निकल आता है ना, ओके पेट्रोल में, ओके। तो आपने पेट्रोल डीजल, तब डीजल आते थे क्या 20 में? डीजल भी आता था, लेकिन वही है कि फिर डीजल में प्रॉब्लम भी होते हैं, ओके ओके, इंजन प्रॉब्लम्स रहते हैं। हाँ पेट्रोल का ऐसा है कि अपन अभी तो नेक्सॉन जो है वो आ गया है इलेक्ट्रिक में, काफ़ी ज़्यादा बिक रही है, है ना। क्या आपके जो वो अंकल हैं उन्होंने बोला है कि नेक्सॉन इलेक्ट्रिक में आती है, कुछ ना कुछ ऐसा उनका कहना है कि मार्केट में ऐसा होना चाहिए कि कन्वर्जन किट आनी चाहिए, जो पहले से लिए हुए हैं उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना हो तो, है ना, कन्वर्जन किट में इंटरेस्टेड है, मैंने बात किया उनसे। वो तो आज की डेट में तो आगे चल के आप जो है पेट्रोल से बैटरी लगवा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही है, ताकि ये जो अपना पेट्रोल वगैरह की जिस तरीके से रेट बढ़ रहा है उस हिसाब से अपन इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर पाए या, लेकिन हाँ ये जो पेट्रोल की जो आप बोलेंगे पावर बोल सकते हैं या जो उस हिसाब से, तो
वो तो इलेक्ट्रिक में आपको, ये जो पेट्रोल का एक्सपीरियंस है वो इलेक्ट्रिक में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वो जो पोल्यूशन और चीज़ें मिल जाती है ना, इसमें सिर्फ वो है कि पावर आपका अच्छा रहेगा, पिकअप अच्छा है आपका पेट्रोल वेरियंट में, और इलेक्ट्रिक का मैं होता है तो वो नहीं बता सकता। मैक्सिमम क्या आप इसको कहीं कितने किलोमीटर लगातार चलाए होंगे, कुछ इसके बारे में कुछ कहानी बताइए। मेरा एक बार को एक रूट रहा था, बीच में ट्रिप गई थी बालाघाट की तरफ अपना। ओके ओके। तो ये अपना कंटिन्यूसली था, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना यही 200-300 किलोमीटर के आसपास है ये। अच्छा अच्छा। तो कितने ओवर कि मतलब कितने किलोमीटर चला चुके हैं आप दो साल में? दो साल में 791। अच्छा, काफ़ी मतलब यूज़ कर लिए ना। फिर भी नेक्सॉन का जो एक्सपीरियंस है, किसी से भी पूछे आप टाटा प्रोडक्ट का, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब आप इसके बाद चलाते हैं ना, मतलब दूसरी गाड़ी तो भूल ही जाते हैं ना, ऐसा है वो भी पेट्रोल में। हाँ, और अपनी जैसे छोटी फैमिली रहती है जैसे, हाँ, चार पांच लोगों के हिसाब से, उस हिसाब से तो ये गाड़ी बिल्कुल बेस्ट है। क्योंकि जैसे अपन देखते हैं कि हुंडई वगैरह में अगर जाए तो उसमें फिर वही बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात आती है। ओके, ओके। तो की सर्विसेज भी वैसी रहती है, टाटा की सर्विसेज भी बहुत बढ़िया है कि आप जाओ। तो क्या इसको जब आप परचेज करने गए थे एक बार, तो मतलब शोरूम में देखे तो पहले मतलब डायरेक्टली टाटा में ही चले गए या कहीं और विजिट किए थे आप? टेस्ट ड्राइव गए थे। ओके। और उस टाइम पे हमको ऐसे डुअल टोन में लेना था। अच्छा अच्छा। डुअल टोन वाला वेरिएंट था नहीं उस टाइम। अच्छा अच्छा। तो काफी ज्यादा वेटिंग भी करना पड़ा था आपको, आपके पिताजी बता रहे थे। टाइम पे ही हम गए थे, अभी भी वैसे दिवाली का टाइम आ रहा है। वही तो दिवाली के टाइम पे तो बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट चले गई थी, और 2020 में कुछ ज्यादा ही सेल्स हुई है कार्स की। हां, बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा वो करना पड़ा था अपने को, अभी तो चलो तब भी काफ़ी नॉर्मल हो गया। ओके, तो अभी आप जो है जो रिकॉर्डिंग कैमरा है वो दो साल बाद लगवा रहे हैं ना गाड़ी में? ऐसा कैसे कैसे आपको अचानक से ऐसा आया कि रिकॉर्डिंग कैमरा गाड़ी में लगवाना ज़रूरी है? तो ये किया जैसे मैं आपको बताया अभी सर, कि ये क्रेटा के साथ हुआ था, और ऐसी दो तीन बार। अच्छा। बाइक्स वगैरह वाले तो जानते, तो आपको मतलब पता नहीं चला कौन स्क्रैच मार दिया? इस वजह से एक रिकॉर्डिंग रहेगा अपने पास ना, अपने पास एक कंटीन्यूअस की रिकॉर्डिंग रहेगा, सीसीटीवी फुटेज रहेगा, हां प्रूफ रहेगा, कौन किया क्या हुआ कुछ पता तो रहा अपने को कि नहीं। सही सही है, सही है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमको उसको भरपूर यूज भी करना चाहिए ना। ठीक है, बढ़िया, फिर लगा देते हैं, देखते हैं क्या रेंज है, क्या रेट में बोल रहे हैं आपको, क्या रेट में पड़ जा रही है? 6.5 का बता रही भैया। 650 या 1000? 6500 के आसपास ना। तो ये आपका एंड्रॉइड तो लगा हुआ है, एंड्रॉइड से ही कब वो हो जाएगा ना? हाँ, जहाँ इसमें भी दिखेगा नहीं, ये अपनी यहीं पे लगेगा अपना, ये बैक कैमरे बैक मिरर में, और इसको इसी को रिप्लेस करा के। अच्छा अच्छा। और इसमें अपना बैक वाला भी व्यू आएगा और फ्रंट व्यू भी आएगा। ओके ओके। जो IRVM चेंज कर देंगे। हाँ। और इसमें ही फ्रंट कैमरा रहेगा ना, फ्रंट का इस पे कवर करेगा, और पीछे वाला जो कैमरा है वो उसी से कन्वर्ट हो जाएगा क्या? हाँ। कनेक्ट हो जाएगा ना? हाँ, उसी से कनेक्ट हो जाएगा। ओके ओके। मतलब पीछे की वीडियो भी आएगी और ओके ओके। तो सर्विस कॉस्ट वगैरह अगर बात किया जाए, आपने यूज किया है काफी दिन से, तो सर्विस कॉस्ट कितनी आ जाती है इसकी? ज्यादा नहीं आता। कितने किलोमीटर पे कराते हैं, कुछ आइडिया देंगे क्या? आइडिया तो होगा ही आपको। 2000 किलोमीटर में कम से कम कराना पड़ता है। अच्छा अच्छा। और वैसे हर महीने तो जाती है टाटा की सर्विस, वहीं से कॉल आ जाता है बकायदा। अच्छा, आ जाता है टाइमली, मतलब टाटा की सर्विस अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी है भैया। कितना कॉस्ट पड़ जाता है लगभग? ये अपना ज्यादा भी नहीं भैया, 1000 के आसपास पड़ता होगा बस एक सर्विस में, बस इतना ही लगता है ज्यादा। तो ऑयल वगैरह तो चेंज ही करते होंगे आपको? ऑयल वगैरह तो ऑयल वगैरह 1000 किलोमीटर होने के बाद चेंज। ओके ओके। तो अपनी वैसे रोज की ड्राइविंग रहती नहीं है,